हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कक्षा 11वीं या कक्षा 9वीं के लिए एडमिशन लिस्ट कैसे तैयार करें। तो जिन लोगों का हमने इनरोलमेंट 2019 में किया है, तो उन लोगों का लिस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास होता है, बट जिन लोगों का इनरोलमेंट 2017 में या 2018 में हुआ है, तो उन लोगों को हमें अपनी एडमिशन लिस्ट में ऐड करना होता है। तो इसे हम कैसे ऐड करें, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम MPBSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यहाँ से हमें इसे लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए सिंपली हमें जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ से हम जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने लॉगिन बटन को प्रेस किया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ से सबसे पहले हमें इसको लॉगिन करना होगा। तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है, अब सिंपली हमें सबमिट बटन को प्रेस करना है। तो हम देख सकते हैं इसको लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले हमें पिन जनरेट करना होगा, तो पिन जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा जनरेट पिन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। सबसे पहले हमें इनरोलमेंट 9th और 11th यहाँ पर हमें क्लिक करना है और सबमिट बटन सिंपली हमें प्रेस करना है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं जो पिन है वो जनरेट हो चुका है। यहाँ से हमें इस पिन को कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो हम इस पिन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चाहें तो नया टैब ओपन कर लें, और अगर हम चाहें तो इसे क्लोज कर दें। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ और न्यू टैब पर इसे जाकर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास कुछ तरीके का पेज ओपन होगा। तो हम इसे हटाते हैं और इंटर बटन प्रेस कर दें। यहाँ से हमें जाना है इनरोलमेंट फॉर्म पर, और इसके बाद हमें यहाँ से जाना है। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं जो 5 वाला लिंक दिखाई दे रहा है, क्लास 9th एंड एंट्री फॉर्म। तो सबसे पहले हमें एंट्री करना होगा, तो हम इस बटन को प्रेस करते हैं। देखिए इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होगा। यहाँ से हमें क्लास सेलेक्ट करना है, 9th या 11th जो भी है। इसके बाद हमें यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें स्कूल का डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड स्कूल का ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा, तो यहाँ से हमें अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और हम यहाँ पर जो फेल वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, देखिए इस पर हमें क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A17 A18, मतलब जो 17 और 18 के स्टूडेंट फेल वाले हैं उनको हमें इस लिस्ट में ऐड करना है। तो हम जो प्रोसेड वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है या जो बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होगा। यहाँ पर हमें जो फेल वाला स्टूडेंट है उसका जो इनरोलमेंट नंबर है उसे इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट फेल वाले का इनरोलमेंट नंबर इंटर किया। इसके बाद हमें सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल्स आ चुकी है। अब सिंपली हमें जो एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पर क्लिक करना है। तो देखिए जो हमारी फाइनल एडमिशन लिस्ट है वहाँ पर यह स्टूडेंट आ चुका है। तो इस तरीके से हम जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, सारे स्टूडेंट फेल वालों को हमें इनरोलमेंट नंबर इंटर करना है और उसे फाइनल एडमिशन लिस्ट स्टूडेंट यहाँ पर हमें उसे ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद फिर अगर हम किसी को हटाना चाहते हैं तो इस एरो पर हम क्लिक करें तो वापस हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर प्रेस करना है। देखिए हम इस बटन पर जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का पेज ओपन होता है। यहाँ से हमें इसका पेमेंट करना है। तो इसका पेमेंट 25 रुपये है। हम एक बार में जितने भी स्टूडेंट को ऐड करना चाहें तो केवल हमें 25 रुपये ही पे करने होंगे, और अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट छूट जाता है फिर अगर हम इसे दोबारा ऐड करना चाहेंगे तो हमें 25 रुपये अलग से देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम चाहें तो कियोस्क से या सिटीजन आईडी से, जिससे भी चाहें इसे लॉगिन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लॉगिन करने के बाद इसका पेमेंट कर दें और हम चलते हैं बैक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है पेमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं, और इसके बाद हमें इनरोलमेंट फॉर्म पर क्लिक करना है। तो पेमेंट करने के बाद फाइनल जो सूची होगी या जो लिस्ट होगी एडमिशन की, उसे हम देखने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जो हमारे पास बॉक्स दिखाई दे रहा है एडमिशन लिस्ट, तो यहाँ से हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस एडमिशन लिस्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें स्कूल कोड एंटर करना है। यहाँ पर हमें जो क्लास है 11th या 9th, जिसके लिए भी हमने करा उसे
करना है और यहाँ पर हमें पेड़ सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें ईयर में 2019 सेलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो हम देख सकते हैं जो फाइनल एडमिशन लिस्ट है वो ओपन हो चुकी है, और अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पास एडमिशन लिस्ट में, वो उनकी संख्या हमें यहाँ से दिखाई देगी। और अगर हम किसी स्टूडेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम जो पिन है इस पिन को हम कॉपी करें और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें, और सिंपली जो रिमूव वाला बटन है उस बटन को हम यहाँ से प्रेस कर दें। तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो स्टूडेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडमिशन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।